बिहार में आए दिन किसी न किसी जिले में कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं, और ये जो घटना है ये बिहार के प्रशासन को बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। जहां पर एक 14 साल की मुस्कान नाम की लड़की को उसके पड़ोसी वाला भाई उससे शादी करने पर तुल जाता है, और उसके बाद जब वो लड़की इनकार करती है तो उसके बाद बहुत ही खौफनाक तरीके से उसकी हत्या की जाती है, उसकी गला दबाकर हत्या की जाती है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये घटना बेसिकली बिहार के छपरा ज़िले के हैं, जहां पर एक नाबालिग लड़की जिसका नाम मुस्कान है, उसके पड़ोस के भाई उससे शादी करने के लिए बोलती है, और उसके परिवार वाले को उसके पड़ोस के भाई ये चीज़ बोलता है कि अगर उस लड़की की शादी उससे नहीं की जाएगी तो इसका उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और उस लड़की की शादी जहाँ पर भी तय किया जाएगा उसको तोड़ दिया जाएगा। बेसिकली ये पूरी घटनाएं हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि उस लड़की को उस जो जो भाई है उसके द्वारा उस लड़की को गला दबा करके हत्या कर दिया जाता है। यहाँ एक तरफा पैर में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले भाई पर लगा है। परिजनों का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो पड़ोस के भाई द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था। शादी से इनकार करने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया। यह घटना मधौरा थाना के जदौली बथान गांव की है। मृतक का नाम मुस्कान है, जिसकी एज 14 साल है। यह घटना बीती हुई रविवार की है। सोमवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ का जो जिला अस्पताल या सदर अस्पताल में भेज दिया गया। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि पड़ोस के शिवू अली नामक युवक द्वारा मुस्कान पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। शिवू अली मृतक मुस्कान से एक तरफा प्यार करता था, जिसको लेकर उसके परिजनों द्वारा भी शादी का दबाव बनाया जा रहा था। यानी कि उस वो बस वो लड़का दबाव नहीं बना रहा था, उसके जो पापा है, उसके जो चाचा है, वो भी दबाव बना रहे थे लड़की के पेरेंट्स के ऊपर, जिसको लेकर उसके परिजन द्वारा भी शादी का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। मुस्कान के परिजनों का कहना है कि शिवू अली के परिवार वालों द्वारा धमकी भी दी गई थी। रविवार देर शाम युवती की माँ घर से बाहर कुछ काम के लिए गई थी। जब वापस लौटी तो देखा उसके घर में शिवू अली और उसके परिजन निकल रहे हैं। जब वह अपनी सोई हुई पुत्री को जगाने गई तो पाया कि वह मृत पड़ी हुई है, उसे उसके गले पर निशान है। इसके बाद वह शोर मचाने लगी। लोगों ने 3 आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि मुख्य आरोपी भागने में सफल रहा। मुख्य आरोपी यानी कि शिवू वहां से भागने में सफल रहा। मामले की जांच जारी है और एसीपी गौरव मंगल ने बताया कि पूर्व में आरोपी की कहा सुनी मृतक और उसके परिजनों के साथ हुई थी। परिजनों के आरोप पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है। जल्द ही मामले की खुलासा की जाएगी। और ये सारी घटना हो रही है सुशासन बाबू के सरकार में। और यहाँ पर आदमी तो पहले घटना कर देते हैं, उसके बाद उसकी जांच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद जब जांच पूरी हो जाती है उसके बाद भी जो दोषी रहता है उसको सज़ा नहीं मिल पाते हैं सुशासन बाबू के सरकार में। बिहार में यहाँ पर आए दिन हत्या की घटनाएं आती रहती है सामने।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्राइम न्यूज में।